आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लंच ब्रेक की शुरुआत करेंगे दरअसल राजस्थान की खबर के साथ, जहां पर कोरोना रैपिड टेस्ट को लेकर राजस्थान से ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। सरकार के मुताबिक रैपिड टेस्ट के नतीजों में गलतियों की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक मामले की जानकारी आईसीएमआर को दे दी गई है। आइए आपको अब दिखाते हैं इसे लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है। और कुछ दिन पहले आईसीएमआर के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर आर गंगा खेडकर ने क्या कहा था। भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4, इसका मतलब जीरो ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया, उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी आईसीएमआर को। ये जो रैपिड टेस्ट हैं, जैसा मैंने बोला, सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी एक चीज कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है। राजस्थान में कोरोना का रैपिड टेस्ट रोकने पर आज तक ने बात की वहां के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से, सुनिए उनकी बातचीत के अंश। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से पूछते हैं कि क्या परेशानियां आई, कितने किट के टेस्ट हुए थे और क्या रिजल्ट आए। देखिए आईसीएमआर ने हमको 168 किट दिए थे जिनको हमने यूज किया राजस्थान के अंदर, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी नित्य व्यास और हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी भी कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इनकी जो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4, इसका मतलब जीरो ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया, उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हमारी माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हमने एसएमएस की कमेटी गठित की, और उनकी रिपोर्ट ये रही कि इनका कोरिलेटिव जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई है कि 5.4% कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनके जो एक्यूरेसी है उस पर ही सवाल उठ गया। ऐसी परिस्थिति में अभी हम इंतजार कर रहे हैं आईसीएमआर इसका क्या जवाब देता है। तो आपने देखा था किस तरह से पिछले दिनों बड़े जोर शोर से राजस्थान में रैपिड टेस्ट शुरू हुआ था। टेस्ट कैसे होता है, कैसे इसके नतीजे आते हैं, हमारे संवाददाता शरद कुमार ने खुद इस टेस्ट को कराकर देखा था। आप भी देखिए उनकी रिपोर्ट। राजस्थान सरकार रैंडम रैपिड टेस्ट करवा रही है कोरोना जो पॉजिटिव हैं उन लोगों को खोजने के लिए। ऐसे एक सेंटर पर हम बैठे हैं और खुद अपनी जांच करा रहे हैं। देखिए पूरे प्रोसेस को मैं समझाना चाहता हूं कि किस तरह से जांच होती है। ये सबसे पहले ग्लव्स जो हैं, जांच करने के बाद ग्लव्स बदलते हैं, नया ग्लव्स पहनते हैं। ये एक टीम है पूरी जो यहाँ पर जाँच कर रही है। ये सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने में सबसे पहले आप क्या कहते हैं मेरा नाम लिखेंगे। देखिए इस तरह से कार्ड, इसी कार्ड के जरिए टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है इसी कार्ड के जरिए होता है। इस कार्ड पर अब मेरा नाम लिखा जाएगा, शरद कुमार, और इसके साथ ही 45 साल, इसके साथ ही टाइम लिखा गया है 2:03। अब ये हमारा जो है स्ट्रिप जो है ये हमारे रिकॉर्ड के लिए हो गया। अब इस तरह से हमारा इस उंगली में ले लें, इस ठीक नहीं है, इस तरह से हमारा जो है वो ब्लड निकाला जा रहा है। अब
ये ब्लड लिया जा रहा है, ब्लड को अब इस स्ट्रिप में रखा जाएगा और इसके साथ ही जो कोविड 19 का एंटीजन है उसको डाला जा रहा है। ये तीन चार बूंद डाला गया बफर सोल्यूशन। इस बफर सोल्यूशन में क्या है? सर एंटीबॉडीज आती है इसमें, अच्छा, जो इसको ब्लड को डिटेक्ट करके आगे लाने का काम करती है। जो पूरा ब्लड आ नहीं पाता है, इतना सा ब्लड लिया जाता है 10 माइक्रो, इसके माध्यम से ब्लड डायल्यूट होकर आगे कार्ड तक पहुंचा जाता है। सर ये हमारी जांच का नतीजा क्या रहा है डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब क्या रहा, क्योंकि 15 मिनट का वक्त हो गया है, तो आप कैसे पता चला क्या रहा हमारा नतीजा? सर सिंह जो कंट्रोल लाइन है उस वही सर ये वाला मिस्टर शरद कुमार शर्मा, मिस्टर शरद कुमार शर्मा एज 45 सन ऑफ श्री नारायण नर्मेश्वर सिंह। तो ये कैसे पता चला इसमें? सर सिंगल लाइन जो कंट्रोल की है वही मेंटेन्ड है, इसका मतलब ये टेस्ट नेगेटिव है। अगर टी के नीचे लाइन आ जाती है एक और तो वो पॉजिटिव हम उसको मानते हैं। तो सिंगल लाइन है इसलिए हम कोरोना नेगेटिव है। हमारे लिए थोड़ी खुशी की बात है कि दिन भर हम फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इसके बावजूद कोरोना फ्री है। हालांकि राजस्थान सरकार ने साथ में जो आदेश निकाला है इस टेस्ट किट को लेकर उसमें नीचे लिख दिया है कि अगर आप कोरोना नेगेटिव हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोरोना नहीं है, ये एक आरंभिक जांच है, अंतिम जांच स्वाब की जो PCR जांच है वही है। फिर भी एक स्क्रीनिंग का एक तरीका है और इस तरह से इस सेंटर पर जांच की जा रही है और हमने भी जांच कराया और हमारी जांच कोरोना नेगेटिव रही। शरद कुमार जयपुर आज तक। तो 18 अप्रैल को हमारे संवाददाता ने ये रैपिड टेस्ट कराया था, लेकिन अब जो रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कोरोना से जंग के बीच एक अच्छी खबर भी है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से एक मरीज से ठीक होने का दावा किया गया है। मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बाद उसके 2 टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। क्या प्लाज्मा थेरेपी है कोरोना का इलाज? कोरोना से परेशान दिल्ली के लोगों को आज एक खुशखबरी मिली है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज की हालत में प्लाज्मा थेरेपी से सुधार हुआ है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 49 साल के शख्स को COVID-19 पॉजिटिव होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय मरीज में हल्के लक्षण थे लेकिन अगले कुछ दिनों में मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनमें निमोनिया के लक्षण दिखने लगे। इसके बाद उन्हें 8 अप्रैल को वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना पड़ा। मरीज की स्थिति जब बिगड़ने लगी तो परिवार वालों ने अस्पताल से कहा कि उसे प्लाज्मा थेरेपी दी जाए। यहां तक कि डोनर का बंदोबस्त भी खुद परिवार ने किया था। डोनर वो शख्स जो कुछ दिन पहले इस बीमारी के चपेट में था लेकिन स्वस्थ होकर लौटा था। 14 अप्रैल को इस मरीज को प्लाज्मा की थेरेपी दी गई और 4 दिन बाद ही वो इतना स्वस्थ हो गया कि वो वेंटिलेटर से हटाया गया। यहाँ तक कि उसके बाद कोविड के 2 और परीक्षण किए गए जिसके नतीजे नकारात्मक रहे। कोरोना का अब तक कोई टीका या दवा सामने न आने की वजह से पिछले दिनों से प्लाज्मा थेरेपी पर लगातार चर्चा हो रही है। आइए आपको बताते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या। दरअसल जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस आता है तो बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। ये एंटीबॉडीज वायरस को हराने के काम आती है। इस व्यक्ति का खून जो कि ठीक हो चुका है उसका खून फिर ऐसे लोगों के काम आ सकता है जिनको वो वायरस हो। पिछले कई सालों में SARS और इबोला जैसी बीमारी में इस चीज का उपयोग किया गया है। अगर कोरोना की बात करें तो चीन में भी इसी चीज का इस्तेमाल करके कई मरीजों को ठीक किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में चाइना में और बाहर अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी जो है इन पेशेंट्स के ऊपर उसको इस्तेमाल किया गया है और अबाउट 20-30 पेशेंट्स चाइना में ही हैं और वो ऑलमोस्ट 100% क्योर हो गए हैं। भारत में ये पहला मामला होगा जब कोरोना का कोई मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो देश के लिए बड़ी कामयाबी होगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी का ये प्रयोग अगर कारगर होता है तो कोरोना मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किस तरह से आज सुबह अफरा तफरी का माहौल रहा। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर जाम जैसी स्थिति हो गई, क्यों हुआ ऐसा, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कोई पुराना वीडियो चल गया है। ये आज यानी मंगलवार सुबह की ही तस्वीर है। ये दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली सड़क है और हाल देखिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। लॉकडाउन में फर्राटा भरती गाड़ियां यहां रेंग रही हैं। ये सब हुआ है गाजियाबाद के DM
अजय शंकर पांडे के फरमान से। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे आदेश दिए गए थे डीएम की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाएगा। उस आदेश में ये था कि जिन लोगों के पास पास मौजूद है उनको आने जाने दिया जाएगा। साथ ही वैसे लोग आ सकते हैं जो आवश्यक सामग्री एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके को सील किया गया है। इनमें कोई बैंक का कर्मचारी है, कोई शहरी विकास मंत्रालय का स्टाफ, कोई डॉक्टर है तो कोई आवश्यक सेवा से जुड़ा कर्मचारी। सबके पास आई कार्ड है जिसे मौजूदा नियम के तहत कर्फ्यू पास का दर्जा है, फिर भी ये लोग रास्ते में अटके हुए हैं। स्पेशल सर्विसेज में माना गया था, इसीलिए हम लोग रोज बैंक जाते हैं, बैंक हमारे खुलते हैं। लेकिन सर आज यहाँ उन्होंने कह रहे हैं कि पूरी तरह से आज ये ब्लॉक रहेगा, पूरी तरह से कोई भी बॉर्डर को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और हमने कहा कि अगर किसी तरह से, तो कह रहे हैं अगर आप किसी तरह से चले भी जाते हैं तो उधर से फिर दिल्ली से इधर वापस नहीं आपको आने दिया जाएगा, और फिर आपसे ये अलग पूछा जाएगा कि आप कैसे इधर क्रॉस कर गए। पास के साथ ये ऑर्डर है कि शहरी विकास मंत्रालय से हम लोग जनता की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको रिलीज करने के लिए हमारा काम है, तो हमें ऑफिस जाने के लिए मना करने के किसी भी वजह से दिल्ली से आएंगे। हालत ये है कि जो लोग कोरोना योद्धा बने हुए हैं, जिन पर कोरोना पीड़ित मरीजों को संभालने का जिम्मा है, यानी डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी, वो अपने अस्पतालों तक पहुंचने के लिए जाम खुलने का इंतजार करते नजर आए। हॉस्पिटल का लाल बहादुर शास्त्री का हॉस्पिटल है, हम लोग हॉस्पिटल में क्या कहते सबको, उसमें साफ साफ कहा है कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास आई कार्ड है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपना आई कार्ड दिखाइए। यहाँ तक कि अपनी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है, वो कोई भी किसी से बात नहीं करना चाहते, वो ये साफ साफ कह रहे हैं डीएम के ऑर्डर लेके आओ, प्रॉपर रिटर्न लेटर होना चाहिए तभी आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं। लोकनायक हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या आपको क्या कहा गया है? हमें तो जाना है, ड्यूटी है हमारी, लेकिन अभी किसी को जाने नहीं दे रहा प्रशासन। हम तो जा रहे हैं भैया, रोज जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, डेली जा रहे हैं, आज का पता नहीं, लेकिन अब तक तो जा ही रहते हैं हम लोग डेली। सुबह 10 बजे पुलिस की सख्ती से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल कल गाजियाबाद के डीएम ने आदेश दिया था कि दिल्ली से आने वाले किसी भी व्यक्ति को गाजियाबाद के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव आए 6 लोगों के दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से ये फैसला लिया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जरूरी है कि लोगों की बेरोकटोक आवाजाही बंद हो, लेकिन ऐसे आदेश को लागू करने में इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि जरूरी सेवा में लगे लोगों को परेशानी ना हो। कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर, दिल्ली आज तक। तबलीगी जमात की अब बात करेंगे। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में किस तरह से कोरोना फैलाने का आरोप इन पर लगा है, इसकी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, देखते रहिए आज तक। तबलीगी जमात की अब बात करेंगे। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहे जमातियों पर यूपी के प्रयागराज में एक्शन हुआ है। एक प्रोफेसर समेत 30 लोग पकड़े गए। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हैं। शाहिद को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहिद पर तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से लौटे विदेशी नागरिकों और कई लोगों को पनाह देने का आरोप है। पुलिस प्रोफेसर शाहिद के साथ 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। विदेशी नागरिकों और उनके शरणदाताओं के खिलाफ करैली, शिवकुटी और शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज था। प्रोफेसर शाहिद भी निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। राहत की बात यह है कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि प्रयागराज में तबलीगी जमात से लौटे इंडोनेशिया के 7 जमातियों में एक जमाती कोरोना पॉजिटिव निकला था। ये लोग शाहगंज के अब्दुल्ला मस्जिद में मुसाफिर खाने में बिना जानकारी के रह रहे थे। इनकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने 37 लोगों को क्वारंटीन किया था। वहीं करैली में भी 9 थाईलैंड के जमाती थे और बिना जानकारी के छुपे थे। इस मामले में भी 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। वक्त एक ब्रेक का उछला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।